अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली चंडीगढ़ शहर की सांसद और भाजपा नेता किरण खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। इसमें वह कहती नजर आ रही है कि दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मुझे वोट न दे तो लानत है, जाकर छित्तर फेरने चाहिए उनको। दरअसल बीते बुधवार खेर राम दरबार कॉलोनी में एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करने के लिए गई थी। खेर ने हल्लो माजरा में एक सड़क बनाने को लेकर वोट को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद से पूरे चंडीगढ़ में उनका विरोध किया जा रहा है। चंडीगढ़ की राजनीतिक पार्टियां उनका विरोध करने से पीछे नहीं हट रही। आइए कुछ वीडियोस दिखाते हैं। बहुत ही दुखपूर्ण बात है जो आज चंडीगढ़ की सांसद जो है वो एक उद्घाटन समारोह में गई और वहां जाके ये बोल रही है कि अगर मुझे वोट ना डाली तो उन लोगों को छित्र मारे जाएंगे। क्या कहना चाहती है वो? ये भी कह रही है कि ये पैसों से मैंने सड़क बनाई है। मैं पूछना चाहती हूँ सांसद मैडम, क्या पैसे आपने अपने जेब से लगाए हैं? लोगों के पैसे लोगों पे नहीं लगाओगे तो कहाँ पे लगाओगे? और किस चीज़ का आप रोप छांट रहे हो? किस तरीके से आप अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से ये कह रहे हो कि हम अगर वोट मुझे ना डाली तो मैं ये लोग छित्र के हकदार होंगे? कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे अभद्र भाषा का आप प्रयोग करते हो? लानत है ये कहते हुए कि आप औरत होते हुए भी एक औरत का सम्मान करना नहीं चाहते। किसको बोल रहे हो वहाँ? किस चीज़ के लिए बोल रहे हो? आप आज वोट मांगना चाहते हो तो लोगों को अपने जूतों के छित्रों के जोर के ऊपर वोट मांग रहे हो? आज आप डड्डू के मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल के आ गई हो। शर्म आती है ये कहते हुए कि आज से 9 साल पहले तुम कहाँ थी जब ये पूरा देश रो रहा था, जब चंडीगढ़ के वासी सांस लेने के लिए वेंटिलेटर तक नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तब मैडम दुबक के बैठ गई जाकर ये कहते हुए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज आपकी तबीयत ठीक हो गई? आज पेवर ब्लॉक जिसका उद्घाटन करने के लिए काउंसलर भी कभी तैयार नहीं होता, आप जैसे लोग वहाँ पे पेवर ब्लॉक का उद्घाटन कर रहे हैं। फट्टी लगाने के लिए ये सब काम हो रहा है, लेकिन मैडम करो, ऐसी लैंग्वेज आज की नहीं, शुरू से ही आप यूज करते आ रहे हो। लेकिन चंडीगढ़ की जनता एक सम्माननीय जनता है। गलती उनसे सिर्फ ये हो गई कि मोदी का चेहरा देख के आपको चुन लिया गया, लेकिन आज मोदी जी को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप भाषा का प्रयोग करती हो और महिला होने के नाते, एक समझबूझ औरत होने के नाते आप उस चीज़ की सभ्याचारिता नहीं दिखा रही हो। चंडीगढ़ का हर नागरिक आपको कीड़े मकौड़े लगता है। आप जिसको जहाँ चाहती हो वहाँ उसको बेइज्जती करने पर उतारू हो जाती हो। लेकिन आज चंडीगढ़ की जनता और महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस जगह पे भी आपने यह अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन लोगों से आप क्षमा याचनीय हो, क्षमा मांगो, उस पब्लिक से क्षमा मांगो कि मैंने आपके पास जो ये बात कही और उसके ऊपर से आप हंस रही हो, मजाक उड़ा रही हो। क्यों? आज आप अगर नेता हो तो उन लोगों ने आपको नेता बनाया, लेकिन जिस दिन आपको आपके पीछे से वो जनता हट जाएगी तो मैडम फिर आपका कोई नामो निशान तक नहीं रहेगा। चलिए, कल किशनगढ़ मणिमाजरा के अंदर हमारे पार्षद सुमन के यहाँ पे एक प्रोग्राम था, एक सड़क का उद्घाटन था जिसका वो पहले ही कर चुकी थी वैसे तो उद्घाटन, लेकिन किरण खेर जी एक जिद पकड़ी हुई है क्योंकि अगले साल चुनावी वर्ष है, तो इस वजह से कि मैं जगह जगह उद्घाटन करने जाके नारियल तोड़ना है, अपनी फ्लैग लगवा रही हैं, तो उसको लेकर के जब वहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारी पार्षद ने कहा कि शास्त्री नगर का कैसा एरिया है जो प्रशासन कहता है कि इलीगल है, लेकिन वहाँ एमपीलैड फंड से काम हो सकता है, जैसे डीप कॉम्प्लेक्स में हुआ। तो उस तरीके से उन्होंने डिमांड रखी कि 30 लाख रुपये यहाँ पर खर्च होगा, आप एमपीलैड फंड से दे दीजिए। तो सबसे पहले उनका सवाल यही था कि देखो आम आदमी पार्षद कितने बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्या आप पाँचों कल बीजेपी आके ऑफिस में ज्वाइन करोगे बीजेपी? फिर कहते नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, चंडीगढ़ वासियों के लिए शर्म की बात है और भारी भारी रोष है आज उसके अंदर, चंडीगढ़ वासियों के अंदर इस बात को लेकर के कि किस तरीके से इस भाषा का उपयोग कल उन्होंने किया, वो उनको शोभा नहीं देता। एक नेता होने के नाते, एक अभिनेत्री होने के नाते, एक पढ़ी लिखी औरत होने के नाते और चंडीगढ़ में 10 साल से एमपी होने के नाते कि मैंने दीप कॉम्प्लेक्स के लोगों को 1 करोड़ रुपये की सड़कें बनवा के दी, अगर एक भी आदमी मुझे वहाँ वोट नहीं डाले तो उसको छित्तर मारने चाहिए। बड़ी अजीब बात है। मैं किरण खेर जी से अपील करूँगा कि सबसे पहले इस बात के लिए माफ़ी मांगे चंडीगढ़ के लोगों से,
जो कल भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पहली बार भी नहीं किया, उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया ऐसी भाषा का इस्तेमाल। पहले जब 11वीं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं वो उनको अकल नहीं है। इसके पहले जब मेयर का चुनाव हुआ तो हाउस के अंदर जब गड़बड़ी हुई एक वोट की मेयर चुनाव को लेकर के पिछले साल, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद चुन के आए हैं डंगर हैं। तो मतलब ऐसी भाषा लगातार वो इस्तेमाल कर रही हैं बजाय लोगों के काम करने के, चंडीगढ़ में विकास करने के, कोई नया प्रोजेक्ट लाने के, चंडीगढ़ में ट्रैफिक की समस्या हल करने के, चंडीगढ़ की मूलभूत सुविधाएं देने के। उसके अलावा उन्होंने स्वयं ये इस भाषा के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहूँगा कि इनको वापस फिल्म इंडस्ट्री भेज दीजिए, 10 साल चंडीगढ़ के खराब कर दिए। और मैं चाहूँगा कि मोदी जी आप हमें प्लीज़ किरण खेर जी के क्षेत्रों से बचाइए। चंडीगढ़ की सांसद माननीय श्रीमती किरण खेर ने जो कल एक किशनगढ़ के अंदर बयान दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि दीप कॉम्प्लेक्स के लोग जिनके लिए उन्होंने इतना काम किया अगर अब भी उनको वोट नहीं देंगे तो उनको छित्तर मारेंगे, बहुत ही असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये कोई टीवी के मंच पर नहीं कहीं बैठे किसी टीवी शो के, और मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में बैठे इलेक्ट्रेट के बीच में, वहाँ पे लोग उनसे कुछ सवाल करना चाहते थे, कुछ बातचीत करना चाहते थे। ऐसे समय में ऐसा ह्यूमर अपनी तरफ से उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, बट मैं समझता हूँ दिस वॉज इन बैड टेस्ट। और लोग जो है पहले ही बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं, महंगाई इतनी बड़ी हुई है, गैस के रेट, दूध के रेट, सिलेंडर के रेट, पेट्रोल, डीजल, दालें, अन्य खाद्य पदार्थ सभी इतने महंगे हो गए हैं, लोग परेशान हैं, नौकरियां बच्चों को मिल नहीं रही, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और कॉरपोरेशन भी कभी पानी के दाम बढ़ा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बिजली के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में जब लोग परेशान हैं आप उनके साथ मजाक करो, आप उनके ऊपर एक कटाक्ष करने की कोशिश करो, मैं नहीं समझता कि आपको शोभा देता है। मैडम पहले भी आप ऐसे 2-3 बार आपकी जवान ऐसे फिसली है, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा ऐसी सोच रखनी चाहिए चंडीगढ़ की जनता के प्रति। और लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो और छित्र खाओ, मतलब इसलिए भाजपा को लोगों ने वोट दिया। इसलिए मैं ये आपसे मांग करता हूँ कि आपको इमीडिएटली इस पर अपना जो है खेत प्रकट कर माफ़ी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ की जनता ने आपको वोट जुटा कर इसलिए भेजा था कि उनके काम हो सके, इसलिए नहीं भेजा था कि वो छित्तर खाएं यहाँ पर आपसे। मैं इसलिए चंडीगढ़ की जनता की तरफ से मांग करता हूँ कि आपको ऐसी अशोभनीय भाषा का, ऐसी असंसदीय भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए, और दोबारा आप द्वारा ऐसा ना करें इसकी मैं आपसे अपील करता हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।